और अंदर 22 कुंड है, उसमें स्नान करना पड़ता है, उसके बाद मंदिर की दर्शन होती है। दो शिवलिंग है, एक हनुमान जी ने जो लाया था और दूसरा जो है सीता जी ने जो बनाया था, तो ये वही है, ये वही जगह है। गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम टू रामेश्वरम तमिलनाडु। तो गाइस अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30 और सुबह सुबह हम निकल चुके हैं रामेश्वरम बाबा की दर्शन करने के लिए। जय भोले बाबा, जय शंकर, हर हर महादेव, जय श्री राम। तो गाइस देखो कुछ इस तरह का नज़ारा सुबह सुबह का, और हम लोग बिल्कुल रामेश्वरम है, सामने भोले बाबा की मंदिर है रामेश्वरम। तो सुबह सुबह वहाँ जा रहे दर्शन करने के लिए, और सुबह सुबह ना अपना नहा धो के अपना आश्रम से निकल गए हैं दर्शन करने के लिए। और आज जो है ना यहाँ पर तमिल लोगों का बहुत ही बड़ा यहाँ पर फेस्टिवल बोल रहे हैं, पता नहीं क्या होगा, दर्शन होगा या नहीं होगा, बहुत भीड़ होगा ऐसा बोल रहे थे, इसलिए हम लोग सुबह सुबह निकल गए दर्शन करने के लिए, बाबा का दर्शन करने के लिए। और गाइस आज होली भी है, तो आप सभी को होली की ढेर सारे शुभकामनाएं, हैप्पी होली। तो यहाँ पर तो गाइस होली नहीं मनाते हैं, ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है कि यहाँ पर होली नहीं मनाते हैं तमिलनाडु में रामेश्वरम में। तो जा रहे सामने मंदिर आ रहे हैं, बस पहुँचने वाले हैं मंदिर में, और आप सभी को आज दर्शन कराने वाले हैं रामेश्वरम बाबा की, भोले बाबा की। और गाइस आप सभी को पता है रामेश्वरम 4 धामों में से एक है, और 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है भोले बाबा की। सो बहुत ही अच्छा लगेगा दर्शन करके। गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं मंदिर के अंदर नहीं, सामने पहुंच चुके हैं अभी, और कुछ इस तरह का आज देखो देख सकते हो रामेश्वरम में बाहर कुछ इस तरह का सजाया हुआ है। तो बस मंदिर के पास में पहुंच चुके हैं, और आप सभी को पता है रामेश्वरम का पौराणिक जो कथा है, जब राम लक्ष्मण सीता जब श्रीलंका से सीता को लेके आए हुए थे यहाँ पर, तो यहाँ पर ना भगवान शिव की पूजा करना चाहते थे, तो यहाँ पर कोई मंदिर नहीं था, तो भगवान श्री राम ने हनुमान को भेजा कैलाश में कि भगवान शिव का वो लेके आने के लिए शिवलिंग, और हनुमान जी आने में लेट हुआ, तब भगवान तब माता सीता ने वहाँ पर रेत का शिवलिंग बना के वहाँ पर दर्शन किया, पूजा किया, तो तभी से यहाँ पर ये रामेश्वरम बना हुआ है। तो अंदर ना दो शिवलिंग है, एक हनुमान जी ने जो लाया था और दूसरा जो है सीता जी ने जो बनाया था, तो ये वही है, ये वही जगह गाइस। காவல்துறை அதிகாரிகள் சொல்வதை கேட்டு தயவு செய்து காவல்துறை அதிகாரிகளுக்கு ஒத்துழைப்பு கொடுத்து बहुत ही लंबी लाइन है रामेश्वरम बाबा के दर्शन करने के लिए, क्योंकि आज सोमवार है ना, इसलिए इतना ज्यादा लोग यहाँ पर आए हुए हैं दर्शन करने के लिए। இன்னைக்கு பூரா நீங்க தரிசனம் பார்க்கலாம், தெரியாதவர்களிடத்திலும் தகவல் சொல்லிவிடுங்கள், இன்று முழுவதும் தரிசனம் கிடைக்கும். हम अभी मंदिर के द्वार पे आए हुए हैं। जय भोले बाबा, जय शंकर, हर हर महादेव। मंदिर के अंदर आ चुके हैं, और उधर ना बहुत लंबी लाइन लगी थी, पता नहीं उनका यहाँ तमिल का उनका अपना कुछ पूजा फेस्टिवल होगा, और ये इधर दूसरा था, यहाँ पर बहुत मतलब कम लोग हैं, इतना लाइन नहीं है। यहाँ पर भी एक रास्ता बनाया हुआ है मंदिर के दर्शन करने के लिए,
गाइस बहुत ही सुंदर मंदिर है। हम लोग अंदर आ गए थे और हम यहाँ पर टिकट मांग रहे थे क्योंकि बाईस कुंड में स्नान करने के लिए टिकट चाहिए होता है, और तो टिकट नहीं था। फिर सामने जाके टिकट हमने कटा तो टिकट का प्राइस है 25 रुपये ओनली। टिकट कट के फिर हम अंदर आए और अंदर 22 कुंड है, उसमें स्नान करना पड़ता है, उसके बाद मंदिर की दर्शन होती है। तो देखते हैं गाइस, यहाँ पर फ़ोन अलाउ भी नहीं है, तो देखते हैं जहाँ तक तो रिकॉर्ड कर सकता हूँ वहाँ तक तो रिकॉर्ड करता हूँ। तो गाइस एक कुंड में स्नान कर लिया, थोड़ा सा पानी छिटक गया पूरा, और भी 21 कुंड है अंदर। भाई फ़ोन यहाँ अलाउ नहीं, फिर भी चुप चुप के वीडियो बना रहा हूँ गाइस आप लोगों के लिए। तो सब लोग यार हर हर महादेव लिख देना कमेंट पे गाइस। पानी भी लिए घर के लिए। कहाँ गए? तो गाइस यहाँ पे भी हमने स्नान कर लिया, सो आगे और जा रहे हैं। शायद अभी ख़त्म हो गया होगा, अभी सीधा अंदर जाएंगे मंदिर की दर्शन करने के लिए। तो 22 कुंड का स्नान हमने कर लिया है, तो अंदर जाएंगे भोले बाबा की दर्शन। उधर स्नान है, 22 कुंड है, हो गया इधर। गाइस हर हर महादेव, 22 कुंड का स्नान हो गया है और बहुत अच्छा लगा यहाँ पर 22 कुंड में स्नान करके। अब स्नान करके ना आगे मंदिर की ओर और जा रहे हैं रामेश्वरम बाबा भोले बाबा के दर्शन करने के लिए। जय भोले बाबा, जय श्री राम, जय हनुमान। गाइस देखो गाइस खूबसूरत नज़ारा रामेश्वरम का। अंदर दर्शन करने के लिए भी वहाँ पर फ्री लाइन भी है, पैसा वाला भी। फ्री लाइन में तो बहुत टाइम लगेगा वाला, बहुत लंबी भीड़ है, और टिकट मिलेगा आपको 100 रुपये का टिकट भी है। तो देखते हैं आगे जाते हैं कितने लाइन है क्या है, वो देखते हैं फिर आगे जाते हैं दर्शन करने के लिए। क्यों वे टू स्पेशल दर्शन 100 रुपीज़ 200 रुपीज़। Thank you.
यहाँ का एक अलग ही परंपरा और अलग ही पूजा करते हैं। तो गाइस रामेश्वरम का दर्शन हो चुका है, बहुत ही अच्छा लगा। और पीछे देख सकते हो ये रामेश्वरम टेम्पल है, बहुत ही बड़ा मंदिर है। तो बहुत ही अच्छा दर्शन हुआ है, यहाँ पर फोन अलाउ नहीं था, फिर भी मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाया। तो गाइस प्लीज यार वीडियो को शेयर करना, और अच्छा लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब कर देना यार, बहुत ही अच्छा। और अभी यहाँ पर मैंने देखा ना, एक यहाँ पर ढोल बजा के जा रहा था, उसमें त्रिशूल ना, बड़ा त्रिशूल यहाँ पर लगा हुआ था यार, बहुत ही अच्छा चमत्कार है गाइस, बहुत अच्छा लगा यार यहाँ पर दर्शन करके, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर अभी एक रेस्टोरेंट है, अभी दर्शन कर लिया। तो सामने मंदिर के सामने यहाँ पर अंदर ही सामने रेस्टोरेंट है, यहाँ पर थोड़ा सा भोजन कर लेते हैं। गाइस रामेश्वरम का दर्शन हो गया है, बहुत ही अच्छा लगा दर्शन करके। और सामने मंदिर का रेस्टोरेंट था, वहाँ पर भी हमने खाना वाना खाया। वहाँ पर इस टाइम सुबह मिलता है ना इडली डोसा बड़ा वगैरह, वो खाया। कल सुबह निकल जाएंगे कन्याकुमारी की तरफ। तो गाइस वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रहा है यहाँ पर। तो मिलते हैं कल की।